हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। सो अभी स्क्रीन पर आप लोग एक नॉर्मल फोटो एंड एक डीएसएलआर की जैसा फोटो देख सकते हो, जो कि देखने में कितना कूल एंड रियलिस्टिक लग रहा है। सो कैसे आप लोग अपनी एक नॉर्मल फोटो के स्टैप से डीएसएलआर की जैसा बना सकते हो, वो भी जस्ट इन वन क्लिक, वही आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखो, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक फोटोलीप ऐप को इंस्टॉल कर लेना है एंड उसके बाद उसी ऐप को अपने मोबाइल के अंदर ओपन कर लेना। देन आप सभी के सामने ये इंटरफेस होएगा। आपको यहाँ ऊपर के साइड में नजर आ रहा होगा एडिट फोटो, तो आपको इस एडिट फोटो पे क्लिक कर देना है एंड सिंपल आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हो अपना उस फोटो को यहाँ पे चूज कर लेना। आपका फोटो यहाँ पे आ चुका है परफेक्ट। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की साइड में बहुत सारे टूल देखने को मिलते हैं, इन्हीं में आपको एक नज़र आएगा AI बैकग्राउंड्स, तो आपको इस AI बैकग्राउंड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज होने का जो प्रोसेसिंग है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। बट हम सभी को यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। देन एक बार और वापस हम यहाँ पे नीचे जो कस्टम आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। ओके, देन हमारे सामने आ रहा है डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन यू वांट टू मेक। जो आप बनाना चाहते हो, जिस तरह का आपको बैकग्राउंड चाहिए, सिंपल आपको यहाँ पे वो डिस्क्राइब करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ सनलाइट बैकग्राउंड DSLR बोके। ये लिखने के बाद आप सभी को सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे कुछ सेकंड में रिजल्ट जो आप सभी के सामने आ जाएगा। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड ये यहाँ पे बन करके परफेक्टली एंड रियलिस्टिक तरीके से आ चुका है, देखने में बहुत ही कूल लग रहा है। ओके, सो अभी अब क्या करना है कि जैसे मान लो कि आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जो नीचे डबल एरो देख रहे हो ना, बस आपको इस पर क्लिक करना है एंड ये वापस से जो है बैकग्राउंड रीजनरेट कर देगा। सो ये देखो अभी अब आ चुका है, पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो वापस से आप वैसे ही कर सकते हो। फिर सिंपल आप सभी को यहाँ पे डन वाले बटन पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है एंड आपका फोटो जो है ये वो सेव हो जाएगा। सो दैट्स दैट्स फॉर द टुडे। होप कि आज की वीडियो आप सभी को सही लगा होगा, तो जो समझ में आए कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय।